दुर्ग में पेट्रोल डीजल रसोई गैस और जनता की उपयोग की अन्य वस्तुओं पर महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर अपना विरोध प्रकट किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता गयूर सिद्दीकी के नेतृत्व में दुर्ग में मेनोनाइट चर्च के सामने पेट्रोल डीजल रसोई गैस और जनता की उपयोग की अन्य वस्तुओं पर लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया, जिसमें समाजवादी पार्टी दुर्ग जिला अध्यक्ष सैयद सगीर अली, समाजवादी पार्टी के सन्नी फर्नांडिस और युजन सभा के प्रदेश सचिव विनोद सिंह यादव, कृष्णा भारती आदि पुतला दहन में शामिल रहे। वहीं वरिष्ठ नेता गयूर सिद्दीकी और जिला अध्यक्ष सैयद सगीर अली ने अपने वक्तव्य में सामूहिक रूप से कहा है कि देश में महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। अपने कुछ उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी हमारे देश को श्रीलंका जैसी स्थिति में लाने पर तुले हुए हैं। इस पुतला दहन के कार्यक्रम में दुर्ग जिला दिव्यांग संघ ने अपने ई रिक्शा के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। इसके बाद सभी ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर देश के राष्ट्रपति के नाम दुर्ग जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।